अभियान सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में निरोगी राजस्थान को फ्लैगशिप योजना के तौर पर चलाने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की है कि प्रदेश को निरोगी बनाने के लिए चलाए जाने वाले अभियान पर राजनीति ना करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में राजस्थान को एक नंबर पर लाना उनका सपना है और इसके लिए उनकी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। निरोगी राजस्थान होगा फ्लैगशिप प्रोग्राम। स्वास्थ्य सेवाओं में प्रदेश को नंबर वन लाना है सपना। निरोगी राजस्थान प्रदेश सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसे फ्लैगशिप स्कीम का दर्जा दिए जाने की बात कही। पीसीसी में गहलोत ने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी इस अभियान के तहत ली जाएगी और मुफ्त जांच योजनाओं के साथ ही आयुष्मान भारत की योजना भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाइफ स्टाइल में सुधार लाना और किसी भी बीमारी के पकड़ में आते ही समय पर उसका इलाज शुरू करने का काम भी अभियान के तहत ही होगा। हमारी योजना वो है, लागू वो भी रहेगा, आयुष्मान भारत भी, और साथ में जो है फ्री मेडिसिन वाली स्कीम चलती रहेगी, फ्री जांचें चलती रहेगी, जिसमें सीटी स्कैन MRI भी फ्री है BPL के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। मैं चाहूँगा एक अभियान के रूप में चलेगी और घर घर में लाइफ स्टाइल तक कैसे सुधर सके, जिससे कि BP, आपकी डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये कम हो जाए। सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर हो और इसके लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। अभियान को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स और नर्सिंग से जुड़े लोगों की भी मदद ली जा रही है। कई बीमारी ऐसी है जो जांचें अगर टाइम पे हो जाए, इलाज शुरू हो जाए तो बच सकते हैं। महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से, नर्स के माध्यम से और आपके साथ में छात्रों के लिए भी, ये तमाम काम हम चाहते हैं कि इस रूप में हो, जिससे कि जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिले। किसानों और बेरोजगारों को राहत देने वाली सरकार का मेन फोकस लोगों की सेहत पर है। मुख्यमंत्री ने निरोगी राजस्थान को अपने तीसरे कार्यकाल की पहली फ्लैगशिप योजना बताने के साथ ही इस बात के संकेत भी दे दिए हैं कि सरकार इस काम में पूरे संसाधन झोंकेगी, तो वहीं प्रदेश के लोगों से भी सहयोग की उम्मीद रहेगी। शशिमोहन शर्मा, Zee Media, जयपुर।